उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा एक महिला उद्यमी के लिए भारी पड़ गया। जब महामहिम की ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली थी, उस समय ओवरब्रिज पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। उस वजह से ट्रैफिक में फंसी IIA की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की मौत हो गई। इस घटना से लोग तो हैरान हुए ही, खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी नाराजगी हुई। जानकारी मिली है कि रामनाथ कोविंद को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। कानपुर के DM आलोक तिवारी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को सर्किट हाउस में सुबह बुलाकर पहले पूरी जानकारी ली और फिर मृतक वंदना मिश्रा के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दोनों अधिकारियों को तुरंत उनके घर भेजा। इस मामले में कमिश्नर ने खुद ट्वीट कर माफ़ी मांगी है। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वंदना कपूर कानपुर की इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। शाम करीब 7:30 बजे के करीब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला हुआ, लेकिन उसी वक्त महामहिम की ट्रेन ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली थी। इस वजह से ओवरब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया। परिजनों के कहने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने बीमार वंदना मिश्रा की गाड़ी को नहीं जाने दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सर्किट हाउस में रुके महामहिम को सुबह इस मामले की जैसे ही जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत DM आलोक तिवारी और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को सर्किट हाउस में तलब किया। उन्होंने पुलिस द्वारा मरीज की गाड़ी रोके जाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो मृतक वंदना मिश्रा के घर जाकर उनकी तरफ से शोक व्यक्त करें। अब अधिकारियों ने ऐसा किया भी और बाद में वंदना मिश्रा की शव यात्रा में शामिल भी हुए। इस मामले में पुलिस कमिश्नर की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि आने वाले समय में किसी भी VVIP के आने पर ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और ट्रैफिक को भी न्यूनतम समय के लिए रोका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।